हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं तो अच्छी हूँ, फिट हूँ, तंदुरुस्त हूँ, आप लोगों के सामने हूँ। और ये कल की वीडियो है, मतलब संडे की वीडियो है, और आज मैं एडिटिंग कर रही हूँ। आज दिन है मंडे, और देखिए आज अपलोड हो जाती है तो आज जाएगी, नहीं तो कल। और मेरा वैसे भी वीडियो लेट ही होता है, और जिस दिन की वीडियो होती है उस दिन कभी नहीं जा पाती है। क्या कर सकते हैं गाइस, नहीं हो पाता है एडिटिंग की वजह से। तो आज मैंने जो है शाम से ही सोच रखा था कि मैं जो है कल सारी ब्लॉग बनाऊंगी। और मैं वैसे संडे के दिन सारी ब्लॉग कोशिश करती हूँ कि बनाऊँ, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाभी जी सारी ब्लॉग बनाइए, मैम सारी ब्लॉग बनाइए, तो बाकी दिन मेरे पास नहीं हो पाता है समय, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं जो है स्कूल बच्चे को छोड़ना है, लाना है, घर के काम है, फिर ट्यूशन ले जाना है, लाना है, तो दिन भर ये सब नहीं हो पाता है। और इस वजह से मतलब काफ़ी टाइम मुझे लग जाता है इसमें, तो इस वजह से मैं संडे को ही सोचती हूँ कि संडे को बनाऊँगी, ये एक दो ब्लॉग बना लूँगी संडे को, तो हफ्ते में दो वीडियो डालते रहेंगे, इस तरीके से कर पाएंगे। तो जो है अभी आज मैंने हेयर वॉश भी किया था, क्योंकि संडे को तो ऐसे करते ही करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि संडे में ही केवल करें, और हो जाता है हफ्ते में दो बार तीन बार हो जाता है, लेकिन ठंडी के मौसम में सबसे ज़्यादा भारी काम यही लगता है जो है हेयर वॉश करना, लेकिन करते हैं वैसे गर्मी में सब बहुत ज़्यादा। और आज मैंने देखिए मेकअप कर रही थी मैं, तो मैं खुद को देख रही थी बार बार कि कहीं मैं भूतनी तो नहीं लग रही हूँ, क्योंकि मुझे मेकअप कर लेती हूँ तो बहुत अजीब सा मुझे दिखता है कि हाँ मैं बहुत अजीब सी लग रही हूँ, लेकिन कोई बात ना है, और करना चाहिए कभी कभी, है ना। और ख़ास करके जब आप साड़ी वगैरह पहनते हो तो थोड़ा सा सजना संवरना तो बनता ही है। और इसके बाद करेंगे हेयर ड्राई। मैंने डायरेक्ट मैं आके और शुरू मतलब तैयार होने लगी थी, क्योंकि नहीं तो फिर लेट हो जाता मेरा, तो फिर रह जाता। और आप सभी लोग मुझे बताइएगा कि वीडियो की क्वालिटी अभी सही हो रही है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये चीज़ बोल रहे थे कि आप जो है वीडियो की क्वालिटी सही करिए। तो कोशिश तो मैंने किया है, लेकिन आप सभी लोग मुझे बताएंगे तभी पता चलेगा, क्योंकि मुझे खुद से नहीं पता हो पाता है। और मैं जब करती हूँ मतलब मैं प्ले करके देखती हूँ तब भी सही ही रहता है, ऐसा दिखता है कि मतलब सही है, तो आप सभी लोग बताएंगे तभी समझ में आएगा, तो कोई बात ना है। यहाँ बीच में जो है हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, बीच में कोरियर वाला आया था, आज तो दिमाग ख़राब हो गया मेरा, और इसीलिए मुझे कभी कभी, और ये ज़्यादा दिक्कत जो है ना मीशो वाले ही करते हैं, और कि मतलब क्या ही बताऊँ। अभी मैंने आगे आप सभी को छोटी सी क्लिप ऐड कर दी है, आप लोग देखिएगा, मंगाओ कुछ और आ जाता है कुछ और, तो और इसके बाद जो है जब उसको रिटर्न करना होता है तो बड़ी प्रॉब्लम होती है, और कहीं से हो जाता है तो रिटर्न हो जाता है बड़े आराम से, लेकिन वहाँ पे नहीं होता है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी दिक्कत करती, बहुत ही गुस्सा लगता है कि किसी को कोई चीज़ ज़रूरत होता है तभी मंगवाते हैं, और इसके बाद अगर वो समय पर नहीं आता है तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन चलो ठीक है। और ये लोग इसी तरीके से करते हैं, ये कई बार हो चुका है मेरे साथ, तो लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। तो आज मैं बिल्कुल इसी में लग गई थी कि मुझे जो है काम करना है, और यहाँ नमन जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक लेने, क्योंकि आज संडे है, तो इनका ये कल से ही बोले थे कि मम्मा मैं कल कोल्ड ड्रिंक लेके आऊँगा, अभी वैसे मैंने मना कर रखा था, लेकिन बच्चे हैं ना नहीं मानते, तो मैंने कहा ठीक है ले आओ, यहाँ पास में है दुकान, तो छोटी छोटी मिल जाती है, बड़ा बोतल नहीं मिलता, छोटा मिलता है। आज ना बंदर कहीं दिख नहीं रहे हैं, और पहले दोपहर में थे लेकिन अभी नहीं दिख रहे हैं, तो इसलिए बिल्कुल सोना साना, ये देखिए कैसा लग रहा है पूरा, बंदर के बिना पूरा अजीब सा लग रहा है ना, डेली वो होते हैं, आज नहीं है तो थोड़ा सा नहीं अच्छा लग रहा है, लग रहा है कि हाँ होना चाहिए होना चाहिए, अगर वो होते तो मैं यहाँ नहीं घूम रही होती, कहीं से इधर भी इसी छत पे ज़्यादा भरे होते हैं, पूरे भरे रहते हैं इसी पे, कहीं इधर से ऐसे ही, और इसके बाद क्या होती है कि ऊपर वाला जो छत है ना, ये ऊपर वाले ऐसे किनारे किनारे बैठ जाते हैं, मतलब कहीं भी, ये ज़रूरी नहीं कि इसी छत पे,
सारे सभी ये छत पे बैठे होते हैं, छत पे जाना सबका मुश्किल हो जाता है, तो यहाँ मैं घूम नहीं रही होती। जो अभी मैं बोल रही हूँ कि होते तो बड़ा अच्छा था, तो अगर बड़ा अच्छा होता ना तो बड़ा उससे भी बड़ा अच्छा बना देते, यहाँ घूमने नहीं देते हमको जो इतने आसानी से घूम रहे हैं। और आज मैंने साड़ी पहन ली है तो मेरा अभी चेंज करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं पहनी हूँ। बहुत बहुत मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेहनत का अगर कोई काम है तो यही है, तो ये बहुत ही मेहनत मुझे लगी है, तो मैं ऐसे नहीं चेंज करूँगी, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि अभी मेरे किचन में काम पड़े हुए हैं। इसलिए मैंने संडे का दिन चुना था, और गर्मी बहुत लग रही है, लेकिन अभी शाम हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो शाम में तो गर्मी नहीं हो रही है इतनी ज़्यादा, अभी नहीं है गर्मी, लेकिन दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ये क्या है, ये देखिए पापड़ सूख रहा है थोड़ा सा, अभी मैं चल रही हूँ, इसको देख लिया मैंने, तो ये भी ये काम कर लेती हूँ मैं, क्योंकि मेरा ये काम पड़ा हुआ है, ये जब इसका तो पलट देते हैं ना तो सही रहता है। तो चलिए ऐसे करते हैं, इसके बाद बातें भी करते हैं आप सभी से। इतने दिन की मेहनत, एक दिन का पापड़ जो है बचा हुआ था, और वही पापड़ है, मैं दो दिन से सुखा रही हूँ। एक दिन की मतलब मेहनत बचे, तीन दिन मैंने बनाया है तब एक दिन का पापड़ मुझे मिला है, बाकी बंदर खा गया है। बहुत ही गुस्सा लग रही थी, लेकिन क्या ही करें, और बहुत ही मतलब बंदर की वजह से कोई काम नहीं कोई कर सकता है, चाहे आप चाहो कोई भी। हर जगह अभी इस टाइम पर हर घर में यही हो रहा होगा, चिप्स बन रहे होंगे, पापड़ बन रहे होंगे, बहुत सारी चीज़ें बन रही होंगी, लेकिन हम लोगों के यहाँ यही दिक्कत है, इसमें क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, आपका कुछ नहीं यहाँ पे चलने वाला, क्योंकि बंदर अपना डेरा जमाए रहते हैं, तो वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। जो भी है जैसे भी है, ये देखिए मैंने आप सभी को दिखा दिया, इतना गुस्सा लगा, ये थोड़ा सा जब मैंने ओपन किया तब मुझे दिखा कि भाई ये तो वो नहीं है, तुरंत मैंने रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। मैंने जो है याद ही नहीं, आज मैंने बहुत सारा काम किया था तो मेरा फ़ोन भी नहीं चार्ज था, लेकिन मैंने कहा भाई जो है सबसे पहले इसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि वो लोग फिर मानते नहीं हैं कि ये नहीं था, ये नहीं था, ऐसे कैसे आ गया, तो ये लोग बहुत सारे सवाल करते। तो ये देखिए इतना मतलब क्या ही बताऊँ, ये फिर मैंने नमन को पकड़ा दिया था फ़ोन, तो इस वजह से इधर उधर हिल रहा था। ये देखिए बच्चों की डांगरी है, और वो भी कोई ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है जो है मान लिया नहीं अगर चेंज होगा तो चलो किसी को दे देंगे तो भी ठीक है, हैं बच्चे पहन लेंगे, लेकिन ये पुरानी डांगरी मतलब ये जिस जो सेलर ने दिया है ना उसके घर का यूज़ किया हुआ टूटा फूटा है, तो